अक्सर हम लोग अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर लेते हैं लेकिन अपने अंडर आई एरिया को हमेशा अवॉइड कर लेते हैं। अपने अंडर आई एरिया को अवॉइड करना वो भी तब जब आपको अंडर आई एरिया में डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो, पफिनेस की प्रॉब्लम हो या फिर ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो, इज अ बिग मिस्टेक। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक अंडर आई जेल का रिव्यू। गाइज, मैंने आप लोग के साथ कुछ टाइम पहले शेयर किया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयरिंग नाइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स और करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयरिंग मॉर्निंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अंडर आई जेल को आपको किस तरीके से लेयर अप करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने अंडर आई एरिया की स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए उसमें मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन या फिर फेस क्रीम को अप्लाई कर लेते हैं। बट गाइज, दिस इज नॉट मीन टू रिड्यूस योर डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस अराउंड योर आईज। प्लस ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो आप कट ही कर दो। इसके अलावा गाइज, जब भी आप कोई भी फेस प्रोडक्ट स्किन केयर में या फिर मेकअप में अप्लाई करते हो ना, तो अपने आई एरिया से उसे दूर ही अप्लाई करो। उसके बैक साइड में जरूर पढ़ लो कि वो आपके आई एरिया के लिए सेफ है या नहीं है। इनकेस नहीं भी लिखा हुआ है ना, तो भी अपने आई एरिया से उसे दूर ही रखो, अदरवाइज वो आपकी आई एरिया में इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा पफिनेस और डार्क सर्कल्स के लिए आप अंडर आई जेल्स या फिर अंडर आई क्रीम्स को यूज़ कर सकते हो। बट गाइज, अंडर आई जेल एंड अंडर आई क्रीम्स के भी चांसेस होते हैं आपकी आईज़ में जाने के। एंड अंडर आई क्रीम या फिर अंडर आई जेल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपकी आँखों के लिए सेफ ही सेफ है। बहुत सारे अंडर आई क्रीम्स या फिर जेल्स को यूज़ करने के बाद भी लोगों को इरिटेशन सहनी पड़ती है, तो मेक श्योर जब भी आप कोई भी अंडर आई क्रीम या फिर जेल लेना, तो बहुत ही ध्यान से उसे यूज़ करें। एंड आज जो मैं आप लोगों के साथ ऑप्शन शेयर कर रही हूँ ना, ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ आपकी आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो सी वी रिवाइटलाइजिंग एंटीफैटिक आई जेल का रिव्यू। गाइज, आपको पता होगा बायोटिक जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है वो 100% बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट से बने होते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये 15 ग्राम का प्रोडक्ट है। एंड इसमें प्राइस जो मेंशन की हुई है इन्होंने वो है 199 रुपीज़। बट इसका जो करंट प्राइस फ्लिपकार्ट में चल रहा है वो है 111 रुपीज़। एंड मैंने भी इसे 111 रुपीज़ में ही परचेज किया है। सो गाइज, अब मैं आपको ये प्रोडक्ट खोल करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें इस तरीके का ढक्कन यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके के ढक्कन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए। इसके बाद मैं ये अंडर आई जेल अप्लाई कर लूँगी। गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको सीवियर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो उसे ये रिड्यूस नहीं करता है। हल्के फुल्के अगर आपके डार्क सर्कल्स है उसे ये कम्प्लीटली रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा पफिनेस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसे भी अच्छे से रिड्यूस कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इसे अपनी आंखों में अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपने फिंगर टिप से पैट पैट करके इसे पूरे अंडर आई एरिया में अप्लाई करना है। इसके बाद आपको 30 सेकंड या फिर ज्यादा से ज्यादा आप 1 मिनट की जेंटल मसाज अपनी आईज को दे सकते हैं। सुबह शाम आपको इसे डेली फॉलो करना है जब तक आपके डार्क सर्कल या फिर पफिनेस की प्रॉब्लम रिड्यूस नहीं हो जाती है। गाइज, इस अंडर आई जेल को यूज़ करने के बाद माई आईज़ आर फीलिंग सो रिलैक्स। सो मैं आई रिलैक्सेशन के लिए और आपके आईज़ की पफिनेस को दूर करने के लिए आपको इसे ज़रूर रिकमेंड करूँगी। सो या दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करना, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय गाइज़।